एक ऐसा एकाक्षर मंत्र है जिसमें समूचे ब्रह्मांड का समावेश है। ओम का जब हम उच्चारण करते हैं तो हम इसमें तीन ध्वनियों को समाहित पाते हैं। इस एकाक्षर मंत्र से प्रवाहित होने वाली अलौकिक आभा को विभिन्न धर्मों को मानने वालों ने भी प्रमुखता से स्वीकारा है। इस एकाक्षर मंत्र की गहराई के समक्ष तो साइंस भी नतमस्तक हुआ है। इस मंत्र में इसके उच्चारण मात्र से ही विभिन्न रोगों को भी ठीक किया जा सकता है। आज हम इस पावन मंत्र के कुछ अनछुए पहलुओं, चाहे वो धार्मिक हो या फिर साइंस से संबंधित, इन पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। ओम यह शब्द केवल लिखने में ही अलग दिखाई देते हैं, जबकि ये एकाक्षर मंत्र ही है। ओम की ध्वनि की व्याख्या करना मुनासिब ही नहीं है। भगवान महावीर ने भी ध्यान की अतल गहराइयों में उतरकर ओम के अनंत स्वरूप को महसूस करने की बात को स्वीकारा था, क्योंकि केवल यही एक मंत्र है जो हमें इस सृष्टि के रचयिता से मिलने की राह दिखाता है। वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने भी कहा था कि ओम मंत्र इस ब्रह्मांड समान अनंत है, जिसका न कोई ओर है न कोई छोर। ओम अनादि है। ओम के बारे उपनिषदों में भी जानकारी मिलती है। यही कारण है कि ओम को इस सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान महेश का भी स्वरूप माना जाता है। ओम मंत्र को भूलोक, भूवलोक और स्वर्गलोक के रूप में भी स्वीकारा गया है। ध्यान की अवस्था में शरीर के भीतर व बाहर जिस ध्वनि को महसूस किया जाता है वह ओम का ही स्वरूप है, क्योंकि ओम से प्रवाहित होने वाली ध्वनि को सुना नहीं, केवल ध्यान मुद्रा में महसूस ही किया जा सकता है। ओम मंत्र में किसी न किसी स्वरूप में विभिन्न संस्कृतियों की पहचान दिखाई देती है। हिंदू धर्म के अलावा सिख धर्म में एक ओमकार अर्थात एक ओम के ही गुण गाए गए हैं, यानी कि सिख धर्म में भी एक ओंकार यानी कि एक ओम के महत्व को पूर्णतया स्वीकार किया गया है। वहीं मुस्लिम समुदाय आमीन कहते हैं, ईसाई या यहूदी आमेन का प्रयोग करते हैं। बौद्ध मत में ओम मणि पद्मे हूं का उच्चारण किया जाता है। इतना ही नहीं, अंग्रेजी भाषा का शब्द ओमनी जिसका अर्थ अनंत है। ओम एकाक्षर मंत्र सभी धर्मों में एक समान किसी न किसी रूप में विद्यमान है। ओम किसी धर्म, मजहब, मत से संबंधित नहीं। जिस तरह से इस कायनात में सूर्य, धरती, हवा, पानी, अग्नि विद्यमान है, वह भी निस्वार्थ से सभी को प्रकाशित करती हैं, उसी तरह ओम के उच्चारण में भी केवल और केवल इंसानियत के हित की बात निहित है। साइंस अनुसार ओम मंत्रोच्चारण की खास बात यह है कि इस एकाक्षर मंत्र से निकलने वाली ध्वनि जुबां से नहीं पेट से निकलती है। इस ध्वनि से हमारे पेट, सीने और दिमाग में एक विशेष तरह की कंपन पैदा होती है, जिसमें मृत कोशिकाओं को पुनर्जीवित करने की भी शक्ति है। इतना ही नहीं, हमारे सिर से लेकर पैर तक उत्पन्न होने वाले रक्त विकार को भी इससे दूर किया जा सकता है। रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंस के प्रमुख प्रोफेसर जे मॉर्गन ने 7 वर्ष तक ओम का उच्चारण कर इनके प्रभावों का अध्ययन किया। शोध में उन्होंने 2500 पुरुष और 200 महिलाएं जो दिमाग और हार्ट पेशेंट थी, इन पर ओम मंत्रोच्चारण का परीक्षण किया गया। इन सभी मरीजों को केवल वह दवाई दी गई जो उनके जीवन को बचाने के लिए अहम थी। अन्य किसी भी तरह की दवाओं को इन मरीजों को नहीं प्रदान किया गया। सभी मरीजों को ब्रह्म मुहूर्त में खुले वातावरण में ओम का जाप करवाने की प्रक्रिया शुरू की गई। हर 3 माह में इनके रोगों के अलावा पूरे शरीर की स्कैनिंग का रिकॉर्ड भी रखा गया। 4 साल तक यह प्रक्रिया अनवरत जारी रही। 4 साल बाद 70% पुरुष और 85% महिलाओं की बीमारी में 90% से अधिक की कमी रिकॉर्ड की गई थी। आखिर
प्रोफेसर मॉर्गन ने यह निष्कर्ष निकाला था कि ओम के सही ढंग से उच्चारण करने से जीवन भर स्वस्थ रहा जा सकता है। आपको यह जानकारी कैसी लगी? ट्रुथ वर्ल्ड इस तरह की जानकारियां आपके समक्ष निरंतर पेश करता रहेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में लगे बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आपको इसकी नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। हमारी समूची जानकारियां हमारे सोशल प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। जल्द मिलेंगे।